हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महोत्सव हल्दी युक्त दूध दही में सराबोर होकर झूमे सेवक और भक्त। राज्य संबंध श्रीनाथ जीवा द्वारिकाधीश मंदिर यानी प्रभु की हवेली में नंद घर लाला भय है के भाव से शुक्रवार रात छाई अपार खुशी शनिवार दोपहर तक भी बरकरार रही। नंद महोत्सव पर पूरे नंदालय में खुशियों का माहौल बना हुआ है। ठाकुर जी के भक्तों को भी हल्दी युक्त दही छाछ में सराबोर किया गया। नाथ द्वारा में तिलकायत परिवार व कांकरोली में पीठाधीश परिवार के प्रतिनिधि भी इस खुशी में ठाकुर जी के सम्मुख मणिकोठे में मुखियाओं के साथ वो नंद बाबा वो यशोदा बने और मुखियाओं के संग नृत्य करते रहे। संपूर्ण मंदिर में श्री जी के बड़े मुखिया जी नंद बाबा का रूप धरकर दूध दही का छिड़काव ग्वाल बालों के साथ करते नजर आए। मंदिर में बड़े पैमाने पर दूध दही की व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को श्री जी के सम्मुख पालने में झुलाया गया एवं छठे पूजन की रस्म परम्परा अनुसार पूरी करते हुए दरवाजों पर कुमकुम दूध दही के छापे लगाए गए। भक्तजन हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते दूध दही का छिड़काव करते नजर आए। नंद स्वरूप नंद बाबा वो यशोदा का रूप धरने की परंपरा है एवं श्रीनाथ जी के बड़े मुखिया ने नंद बाबा का रूप धरा एवं निधि स्वरूप लाडले लालन के बड़े मुखिया ने यशोदा जी का रूप धरा। उन्हें तिलकायत परिवार अपने साथ मणिकोटे में नृत्य करने के उपरांत महाप्रभु जी की बैठक में लेकर गए जहां वे परिवार के सदस्य नंद बाबा से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात नंद बाबा का भाव रूप धरने वाले मुखिया ने इस रूप को विराम दिया। फिर मुखिया ने तिलकायत परिवार के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। 2 साल के अंतराल के बाद आए श्रद्धालु अपार कोरोना काल के कहर के चलते वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार परंपरागत रूप से सीमित दायरे में मनाया गया। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन में श्रद्धालुओं की आवाजाही नगण्य होने से 2 साल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव फीका रहा। इस बार 2 साल के अंतराल के बाद श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी। जागरूक टीवी के लिए राज संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।